नमस्कार नमो नारायण। वैसे तो उत्तर भारत का श्रावण 15 दिन पहले ही प्रारंभ हो चुका है और अब मध्य भारत और दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र गुजरात से नीचे ये विस्तार, ये श्रावण प्रारंभ होगा रविवार 4 अगस्त को। रविवार 4 अगस्त को इसलिए कि रविवार 4 अगस्त को श्रावण की अमावस्या है और ये अमावस्या सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात या दक्षिण के लिए नहीं, उत्तर भारत के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस अमावस्या को अलग अलग तरीके से उसका महत्व प्रदेशों के हिसाब से है। महाराष्ट्र में इस अमावस्या को गटारी अमावस्या कहा जाता है। आप जानकर के थोड़ा सा हंसेंगे भी जो महाराष्ट्र से नहीं है। गटारी अमावस्या मतलब नाम से ही आप समझ गए, गटर वाली अमावस्या। क्यों? तो इस नाम का मतलब ये है कि श्रावण मास के अंदर मांस, मछली, अंडा और मदिरा का सेवन वर्जित है। तो इस अमावस्या को बस आखिरी दिन समझकर उतना पी लो, चाहे गटर में गिर जाओ, लेकिन उसके बाद श्रावण मास में आपको ईमानदारी पूर्वक अपनी पूजा साधना में लगना है, इतना अर्थ है। अब इसको सामान्य अर्थ में ही लेने का अपने लिए ठीक लगता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस रविवार यानी 4 अगस्त को यह अमावस्या जो आएगी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बड़ा प्रश्न बनता भी है कि उत्तर भारत का श्रावण 15 दिन पहले क्यों बना और दक्षिण भारत या मध्य भारत का श्रावण 15 दिन बाद में क्यों स्टार्ट होता है। कई गुजरात के लोग भी मुझसे पूछते हैं कि यह फर्क क्यों है, राजस्थान वाले भी पूछते हैं, तो उसके रीजन पे आऊंगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, मैंने आज तक कभी भी चैनल पर इस तरह का आपको निवेदन नहीं किया है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, लेकिन पिछले कुछ मेरे क्रांतिकारी वीडियो बनने के कारण कुछ लोग हमसे बहुत खफा हैं और हमारी रीच को कम करने के लिए एक मल्टीपल, जिसको बोलते हैं ना, रिएक्शंस के ग्रुप उन्होंने बनाए ताकि हमारी रीच कम पड़ जाए और आप तक वो वीडियो न पहुंचे। तो इसको हम आप तक हर वीडियो पहुंचाएं, तो उसके लिए हर वीडियो को आप जब देखते हो तो कम से कम लाइक करके शेयर करके आगे फॉरवर्ड करो, ताकि जो ज्वलंत हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर जो वीडियो बने तो वो दब न जाए। आप अगर मेरे बाकी के वीडियो में भी जाएंगे तो कई क्रांतिकारी वीडियो की रीच कम कर दी गई जानबूझकर, इसका तोड़ आप ही निकाल सकते हो। तो मैं आऊंगा कि ये 15 दिन का फर्क क्यों। फर्क इसलिए कि मध्य भारत और उत्तर भारत में पूर्णिमा का जो है अंत माना जाता है और प्रारंभ उसके बाद महीने का होता है, और दक्षिण और गुजरात महाराष्ट्र वगैरह में जो है वो अमावस्या को, ये अमावस्या और पूनम यानी एक पक्ष का फर्क होता है दोनों के कैलेंडर में। इसलिए एक पक्ष का जो ये अंतर है कि 15 दिन हमारा श्रावण दक्षिण भारत और मध्य भारत का देर से शुरू होता है, उत्तर भारत का पहले, क्योंकि उनका नया महीना पूनम से शुरू होता है और यहाँ का नया महीना अमावस्या के एकम को शुरू, उसके बाद एकम को शुरू होता है। वैसे आपके लिस्ट में देखोगे तो अमावस्या के ऊपर मैंने कम से कम 7 जो मुझे वीडियो याद आ रहे हैं वो बनाए हैं। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि 7-7 वीडियो अमावस्या की एक प्लेलिस्ट बना करके उसमें जोड़ दें। आज का तो खास वीडियो है ही, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये 7 वीडियो आपको मदद करेंगे, जैसे सूर्य ग्रहण और समावती अमावस्या, अमावस्या प्रेत बलि और श्राद्ध वगैरह के आधारित है, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि अमावस्या का महत्व, अमावस्या पर शनि जयंती और सफलता के रहस्य, हर अमावस्या करें शिव शक्ति पूजन, तंत्र मंत्र और अमावस्या, अमावस्या और गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने का सुनहरा मौका। इन अमावस्याओं में हमने अलग अलग तरीके से अमावस्या का महत्व बताया है। तो आज के वीडियो में कोई भी चीज मैं रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ। मैंने जो आपको बताया कि जो प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें 7-7 अमावस्या देखेंगे तो अमावस्या का वैज्ञानिक महत्व भी आपको समझ में आएगा और आध्यात्मिक महत्व भी समझ में आएगा। और वास्तव में पितरों के लिए तो अमावस्या का मैंने पूरे उपचार उसमें बताए हुए हैं, आप देखेंगे समझेंगे और करेंगे भी। लेकिन चूंकि श्रावण मास है, शिव शक्ति पूजन का अपना महत्व है, मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं कि विष्णु जी पाताल में है, बलिराज के दरबान बने हुए हैं और पूरी ये ब्रह्मांड की सत्ता इस समय रुद्र के हाथ में है, तो श्रावण को इसीलिए शिव पूजन करते हैं। शिव पूजन कैसे करना चाहिए वो भी चीजें दी हुई है, उसमें क्या फूल होंगे, क्या द्रव्य होंगे, उस पर भी है। अब आते हैं कि श्रावण में ही व्रत उपवास या साधना का प्रावधान क्यों किया हमारे संत महात्माओं या ऋषियों ने। तो मैं आपको बताऊं, हमारे संत महात्मा, हमारे ऋषिगण बड़े वैज्ञानिक तरीके से हमें सिखाते हैं। ये श्रावण मास, मुझे किसी अमेरिका से मेरे प्रशंसक ने पूछा
कि जैसे भारत देश के अंदर श्रावण मास को मनाया जाता है, क्या अमेरिका में मैं श्रावण उसी तरह से रख लूं? तो मैंने कहा, देश काल परिस्थिति और पात्रता के आधार पर हर चीज को समझो। भारत के अंदर श्रावण मास के अंदर बारिश हो रही है, परंतु अमेरिका में नहीं हो रही है। तो हमारे जो नियम बनाए गए हैं श्रावण मास के, वो भारत देश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, वो भारत पे बिल्कुल लागू होंगे। आप श्रद्धा से वहां कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो श्रद्धा होगी। वैज्ञानिक कारण यहाँ के मैं बता दूं, श्रावण मास के अंदर एक तो मछलियों का प्रजनन होता है, अंडे देती है, तो अगर हम उनको मार करके खाने शुरू कर देंगे तो उनकी जो भी संख्या है गिर जाएगी, सीधी सी बात। तो ऋषियों ने सोचा, नहीं, ये पूरे साल मानो कि एक अगर इनको प्रजनन का ये एक महीना मिल जाता है तो काफी संख्या बनी रहेगी, तो एक महीने के लिए आप मत खाओ। अंडे के लिए भी उन्होंने इस चीज को माना, साथ साथ में मांस वगैरह को भी माना। क्यों? क्योंकि जल बहुत गिरता है तो उससे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जल के कीड़े, जल के जूसे, जो दूसरे कीटाणु हैं, विषाक्त कीटाणु होते हैं, आपके भोजन को विषाक्त करते हैं। तो ऋषि मुनियों ने और सोचा कि नहीं, अगर हमारी व्यवस्था, मानो कि भले नॉनवेज न खाते हो, मांसाहार न करते हो, फिर भी हरी सब्जियों पे भी रोक लगा दी। क्यों? हरी सब्जियों में भी आप देखोगे कि उन दिनों प्याज, लहसुन या सब्जियां नहीं होती हैं। अब मैं पार्लियामेंट वालों की बात नहीं करूंगा कि प्याज महंगा हो गया बारिश में। अरे भैया, प्याज की खेती नहीं होती है बारिश के दिनों में। अगर आपको प्याज खाना है बारिश के दिनों में, तो आपको अप्रैल मई महीने में स्टॉक कर लेना चाहिए, और खेती चूंकि होगी नहीं बारिश में और सत्यानाश होगी उस फसल की, तो संसद में यह नौटंकी करने का कोई मतलब नहीं बनता, जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्योंकि ये फसल बारिश में होती ही नहीं है और खराब होगी होगी बारिश में, सीधी सी बात है। इसका कोई महंगाई से लेना देना नहीं है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस की भी बात है। कोई कहे कि मैं बारिश में पालक खाऊंगा, नहीं खानी है भाई, कीड़े मकोड़े, पानी, वायरल इन्फेक्शन होगा, वही प्याज ताजे वाले में होगा, पुराने वाले में नहीं होगा। तो ऋषि मुनियों ने उसका प्रावधान दिया कि आप अगर खाना ज्यादा नहीं है तो क्या करोगे, एक टाइम का उपवास कर लो कम से कम, एक टाणा जिसको बोलते हैं। श्रावण में एक अनाज के ऊपर भी उपवास की व्यवस्था दी गई है, कई लोग उसको करते हैं। जो मूंग आते हैं ना हरे रंग के, वो मूंग भिगो करके उसके या तो वो स्प्राउट्स खा लेते हैं, या फिर मूंग को उबाल करके बस हल्का फुल्का थोड़ा सा नमक थोड़ा डाल दिया तो मूंग के ऊपर एक टाणा कर लेते हैं। कोई सिर्फ मूंग और रोटी के ऊपर करते हैं, या कोई कोई कभी मूंग और चावल के ऊपर, खिचड़ी के ऊपर भी कर सकते हैं। मूंग चूंकि इस सीजन का बहुत अच्छा आहार है, दलहन जो उस तरह का होगा वो आपके लिए अच्छा है, सब्जियों के लिए नहीं। तो मैंने आपको क्लियर कट बताया कि मांस, मछली, अंडा या हरी सब्जियां धर्म के आधार पर जितनी जुड़ी हुई है, उतनी ही वैज्ञानिक आधार पर भी जुड़ी हुई है। इसको लॉजिकल समझने का प्रयास करना। अब आते हैं अपनी रचना के ऊपर। श्रावण मास के अंदर आप देखते हो सूर्य आकाश में, बादल वगैरह होते हैं, बारिश होती है। क्योंकि सोलार एनर्जी वो पर्याप्त नहीं है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए हमारी डाइजेस्टिव जो पावर है, जठर अग्नि भी मंद होती है। अब जठर अग्नि मंद हो, जैसे आपके चूल्हे में मानो आग मंद हो, उसके ऊपर आप लकड़ियां डालते जाओगे, क्या होगा? धुआं होगा। तो इस सीजन के अंदर भी आप पेट भर करके पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, न खाने वाले पदार्थ खा रहे हो, न पीने वाले पदार्थ पी रहे हो, फिर कहते हो मुझे एसिडिटी होती है। तो क्यों ऐसी बेवकूफियां करना? आपको पता है इस सीजन के अंदर जठर अग्नि कमजोर होती है। आप जितना पेयजलों पे रहेंगे, पेय पदार्थों पे रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और आपके डॉक्टरों का बिल भी कम आएगा, क्योंकि विष्णु पाताल में है, बलि के पास, और शिव जी के सत्ता है, तो फर्क तो पड़ता ही है। अब आता है श्रावण में हम क्या साधना करें, कैसी साधना करें, किस किस के मंत्र स्तोत्र वगैरह का। सबसे बड़ा महात्म्य श्रावण मास के अंदर आता है शिव पूजन का। क्यों? सत्ता जो है ब्रह्मांड की रुद्र के पास है। अब शिव के लिए इस साल श्रावण में 5 सोमवार आने वाले हैं, उत्तर भारत के 2 सोमवार, 3 सोमवार ये लगेगा, और मध्यम और दक्षिण भारत वालों के जो लगेंगे उसमें भी 5 सोमवार आएंगे। तो सोमवार तो शिव जी का पूजन है ही है, और शिव जी के पूजन के ऊपर मेरे 2-3 वीडियो ऑलरेडी है, मैं कहूंगा वो भी अगर प्ले लिस्ट लगा सकते हैं तो लगा ही लें, और उसमें आपको पदार्थों की जानकारी मिल जाती है। मैं आपको एक वैज्ञानिक आयुर्वेदिक इसमें पदार्थ बताता हूँ कि इस सीजन के अंदर जब आप शिव पूजन करते हो तो उसके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाते हो। बिल्व पत्र चढ़ाने का तरीका यह है कि बिल्व पत्र का जो चिकना भाग है वो शिवलिंग पे रखते हैं, खरहरा जो होगा वो नहीं रखते, चिकना वाला।
और थोड़ा सा चंदन लगा के लगाओगे तो और बढ़िया है। पर याद रखना, अगर स्वयं उपयोग करना है तो फिर ऑर्गेनिक ही चीज हो। अब फिर आप पूछोगे आजकल पूजाओं में तो चीजें अच्छी नहीं मिलती है, कैसे करें? तो आपके निवेदनों और आपकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्वामी योग उपहार एक मेरा प्रयास है कि आप तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचे, जैसे यंत्र है, सामग्री है, अतर है, पूजा का श्री विद्या का आप पूजन है, शिव पूजन है, काली पूजन है, ऐसे पदार्थ सिलेक्टेड आप तक पहुंचे वाजबी दर पर लेकिन अच्छी क्वालिटी के। उसमें कुछ समय होगा, दशहरे के आसपास ये आप तक पहुंचेंगी हमारे वेबसाइट और अन्य माध्यमों से, उसका मैं आपको जानकारी भी दूंगा। पर हमारे प्रयास चल रहे हैं कि शुद्धता की मात्रता पूजा में बढ़े और वो भी कम कीमत पर, और उसकी गारंटी ये हो कि उसकी प्रामाणिकता में कोई व्यक्ति जवाबदार उठाए तो वो मैं आपको जवाबदारी से कहता हूँ कि वहाँ आपके साथ अच्छी क्वालिटी का पदार्थ आपको मिलेगा। अब बात यह है कि शिव जी को जब हम बिल्वी पत्र चढ़ाते हैं, मैं अपने यहाँ विदेशों से जुड़े हुए लोगों से कहूंगा कि भारत में तो बिल्वी पत्र मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ बिल्वी पत्र मिलने में दिक्कत आ रही है तो भारत से और भारतीय स्टोर से आप चांदी के बिल्वी पत्र, बहुत पतले पतले होते हैं, 108 खरीद लें, बार बार उसको चढ़ाकर दो करके उसको 1,000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, 11,000 कर सकते हैं, तो उसका उपयोग इस तरह से चांदी वालों का हो सकता है। साथ साथ में जो हमारे वास्तविक बिल्व पत्र भी हैं तो शिवजी के पूजन में ये आपको छूट मिलती है कि 10 बिल्व पत्र भी अगर आप लाए तो फिर 10 को पानी से धो लो, फिर 10 बार चढ़ाओ, फिर धो लो, फिर चढ़ाओ, 1,000 तक करो, 10,000 तक करो, कोई रोक टोक नहीं। पर आज मैं जो आपको कह रहा हूं कि ये बिल्वी पत्र वास्तव में हमारे शरीर की औषधि है, क्योंकि मंत्रोक्त तो आप चढ़ाते हो तो वो प्रसाद जड़ी बूटी हो गई। अब उसका क्वाथ बनता है, जैसे उस बिल्वी पत्र का पीछे की जो डंडी है उसको निकाल के ही शिव पे चढ़ाना चाहिए, उसको कहते हैं वज्र, नहीं चढ़ा, उसको कैंची से काट के अलग कर दिया, थोड़ा सा रखा और बाकी चढ़ा दिया। अब उन बिल्वी पत्रों को मानो धोकर के हमने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया तो उसको ग्राइंडर में पीस लिया या अपने सलपट्टे पे पीसा, उसके साथ थोड़ी तुलसी है, थोड़ा कड़वा नीम है और पोषने, उसको क्वाथ बनाते हैं। सिर्फ बिल्वी पत्र भी 10 अगर आप पीस करके उसको ग्रहण करते हैं थोड़ा थोड़ा दिन में 3 बार, तो ये आपके पेट के सारे विकारों को दूर करता है, ऐसा आयुर्वेद में भी इसका बड़ा उल्लेख है। पर मैं साथ में ये भी कहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे किसी आयुर्वेद के निष्णांत से भी थोड़ा संपर्क करके लेंगे तो और अच्छा होगा। क्वालिटी, जंतु, ये देखना आपका काम है, परंतु ये बिल्वी पत्र साधारण नहीं है, ये बहुत बहुमूल्य है। और शिवजी के पूजन में जो जो पदार्थ चढ़ते हैं वो मंत्रोक्त होते हैं, हम तो जो अतिरुद्री वगैरह करते हैं उसमें घी का भी साथ साथ में अभिषेक होता है, तो वो घी भी मंत्रोक्त हो जाता है जो बाद में भक्तों में बांट दिया जाता है। तो ऐसे कई चीजें हैं शिवजी के पूजन में, दुनिया भर की चीजें आ सकती है। कुल मिलाकर के ये श्रावण बहुत महत्वपूर्ण है, और कांवर यात्रा जो मेरे उत्तर भारत के भाई कर रहे हैं वो कांवर यात्रा का बाकी थोड़ा ही समय बचा हुआ है। नाराजगी तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 30 सोमवारों तक की कोई सुनवाई नहीं की। लगभग लगभग कहते हैं ना, धर्म की जब जब इस तरह की स्थितियां बनती है तो उसको आपने सोचा है, समझा है। मेरे कुछ एपिसोड्स को जानबूझ करके इसीलिए भी दबा दिया गया क्योंकि मैंने आवाज उठाई है और मैंने क्रांतिकारी विचार दिया है, और इसीलिए चैनल की रीच को कम करने के लिए और कुछ वीडियोस को तो दबाने का पूरा भरपूर प्रयास किया। आज ये आपके हाथों में है कि आप सारे इन प्रयासों में कैसे सहयोगी होते हैं और कैसे इसको लाइक शेयर करते हुए आगे पहुंचाते हैं। ये एक मुहिम है सनातन धर्म की, और हमें सनातन धर्म का ये ध्वज आगे फहराते रहना है। मैं आपके साथ इसी तरह क्रांतिकारी विचारों में साथ रहूंगा, साथ साथ ही आध्यात्मिक विचार भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। तो श्रावण मास मध्य भारत और दक्षिण भारत का प्रारंभ, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। कांवर यात्रा करने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।